देशभर में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इस बार देश बापू की 154वीं जयंती मना रहा है। आज पूरा देश महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी कड़ी में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित की। राज्यपाल और सीएम आज गांधी जयंती के अवसर पर मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। मौके पर बापू वाटिका स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर भजन मंडली के कलाकारों ने बापू के प्रिय भजन तथा रामधुन प्रस्तुत किए। गांधी जी के जो मार्गदर्शन था और जो उनका संदेश था, स्वच्छ मन, स्वच्छ सोच, स्वच्छ समाज की परिकल्पना कहीं ना कहीं आज के दिन भी महात्मा गांधी जी को याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनके जो सोच और विचार हैं आज के दिन में भी थोड़े अधूरे से दिखते हैं। हमें लगता है कि जब तक महात्मा गांधी जी के अनुसरण को हम अपने साथ नहीं रखेंगे तो एक जो उनका सपना है वो सपना को साकार करने में कई कठिनाइयां आएंगी। बिना हिंसा कि जिस तरीके से उन्होंने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई तो विरले है। मुझे नहीं लगता है कि आज की इस युग में इस तरीके के विलक्षण ताकत को एक नंबर था अपने ऊपर स्थापित लोग कर पाए। इसीलिए जिस तरीके से विगत आपने देखा है कल से लेकर आज तक कहीं ना कहीं छोटे बड़े तरीके से लोगों ने समाज के अंदर पुनः फिर से महात्मा गांधी जी के सोच को स्थापित करने के लिए अलग अलग तरीके से कार्य किए हैं। आज के दिन में ये अत्यंत जरूरत है। ये सिर्फ 2 अक्टूबर ही नहीं, हर दिन हमारे लिए 2 अक्टूबर कैसे हो ये हमें निश्चित रूप से आज संकल्प लेने का दिन है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।